साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम रेलवे का जो निजीकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेलवे की जो निजीकरण की मुहिम सरकार चला रही है, इस पूरे मुद्दे को साथ ही हम समझेंगे। और सरकार ये कह रही है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे, पहले तो हमको साथ ही इस सरकार के इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि सरकार जो कर रही है उसको सरकार ये कह रही है कि वो निजीकरण नहीं कर रहे। जो रैली 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, और 25 दिसंबर 2014 का मतलब यह था कि नरेंद्र मोदी जी उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय यह बहुत बड़ा प्रचार चल रहा था कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आ गई है, अब रेलवे का निजीकरण होगा। उसे बीजेपी का, आरएसएस का बिल्कुल एक तरफा ये समझ है कि उनको देश के सारे संसाधनों का निजीकरण करना है, मगर वो रेलवे को इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, वो कैसे उलझा रहे हैं, इस साजिश को साथी हमको समझना है। 25 दिसंबर 2014 का जो भाषण है नरेंद्र मोदी का, उसको बेस बना करके हम उसको पूरी पॉलिसी को साथी समझेंगे। तो पहले आप नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उसका पहला हिस्सा सुनिए। बताया गया ये जो इंजन बना है उसमें 96% कंपोनेंट यहीं पर बने हैं, आप ही लोगों ने बनाए। मैंने कहा है वो अब 4% भी नहीं आना चाहिए, मुझे बताइए कैसे करोगे। उन्होंने कहा हम बेड़ा उठाते हैं, हम करेंगे। मोदी जी, आप जो भाषण दे रहे हो ये रेलवे कर्मचारियों के सामने दे रहे हो। आपको पता है कि स्वदेशी तकनीक से 96% कंपोनेंट से रेलवे को बनाया, तो आये स्वदेशी तकनीक है ना, हमारे देश के अंदर भी स्वदेशी तकनीक है। 4% जो बाहरी कंपोनेंट है उसको देश में डेवलप किया जाएगा, ये कमिटमेंट भी कर्मचारियों ने किया। तो ये पक्ष ये है जो इन्होंने अभी इस पक्ष को इसमें बोला है नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हम इसको इनके भाषण और आगे सुनते हैं। और इसलिए योग्य मैन पावर के लिए हम 4 रेल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के 4 कॉर्नर। उस यूनिवर्सिटी में जो आएंगे उन नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होगी और उनको रेलवे के अंदर नौकरी मिलेगी। जो सपना आपने दिखाया था, सपना दिखाना तो आपसे अच्छा सपना कोई नहीं दिखा सकता। आप भाषण में जिस तरीके से सपने दिखाते हो उससे बढ़िया सपना कोई नहीं दिखा सकता। 2021 में आ गए, 14 से 21 में 4 बड़ी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, खुली क्या? रेलवे के जॉब 50% जॉब की कटौती हो गई, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो एक सपना दिखाया था जो देश की जनता ने देखा था और इनने दिखा दिया था, मगर वो सपना कहां है पता नहीं है। अब इसके इनके आगे के भाषण सुनिए। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। ये जो आपको भाषण सुनाया मैंने, ये 25 दिसंबर 2014 का है। इसी भाषण में उन्होंने अपने आप को जोड़ दिया, ये उनकी कला है। बाकी इसके अंदर वो कह रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, ये गप है, ये अफवाह है, हमारा कोई इरादा नहीं है, हम रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे। इसको बहुत ही ताकतवर तरीके से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अब इनको आगे सुने इनके। और इसलिए कम ब्याज से आज दुनिया में पैसे मिलते हैं, हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं,
जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या कहा उन्होंने, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम कम ब्याज पे जो पैसे मिलते हैं दुनिया में वर्ल्ड बैंक से या दूसरी जगह से, जो दुनिया के पूंजीपतियों से, दुनिया से जो संस्थानों से जो कम ब्याज पे पैसे मिलते हैं, उस पैसे को ला करके हम रेलवे का विकास करना चाहते हैं, निजीकरण नहीं करना चाहते। उस पैसे से ला करके हम इसको, अब यहां से वो धीरे धीरे करके इसी भाषण में, आप आखिरी तक सुनते जाना, इसी भाषण में सारा कुछ बोल देंगे। अब आगे सुनो, अब मुझे बताइए ये यूनियन वालों को मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपया रेलवे में आए, डॉलर आए, पाउंड आए, अरे आपका क्या फर्क पड़ता है भाई, आपको तो पैसा आ रहा है। अब यहां से शुरू हो गया खेल, पैसा आए, डॉलर आए, पाउंड आए, तुम्हें तो पैसा मिल रहा भाई, तुम्हें क्या लेना देना, पैसा मिल रहा ना तुम्हें, तो बस आदमी यहीं से पागल हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई दुनिया के लोग पागल हैं जो पैसा देंगे तो हमें फ्री में देंगे, अरे ब्याज से देंगे तो उसका ब्याज लेंगे, मुफ्त में थोड़ी दे देंगे, सरकार को तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से कहीं से भी कर्जा लोगे तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। मगर वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे जो है मुफ्त में सारा पैसा मिलने वाला, डॉलर पौंड सब मिल रहे, और तू क्यों चिंता कर रहा है यार, तेरे को तो पैसा मिल रहा है, तू मजे कर। तो ये झटका है जिस जो मारा उन्होंने। अब आगे सुने, अब मुझे बताइए, मुझे रेलवे यूनिवर्सिटी बनानी है, अगर रेलवे यूनिवर्सिटी में मुझे जापान से मदद मिलती है, चाइना से मदद मिलती है, टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है, एक्सपर्टाइज की मदद मिलती है, तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जरा बताइए, सच्चा बोले, दिल से बोलिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, यही काम ये सरकार करना चाहती है भाइयों, यही तो बुलवाना चाहते थे वो, कि जो बाहर से मदद मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, यही जो कह रहे थे वही तो कह रहे थे वो, कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से पैसा आएगा, बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, बाहर से निजी पूंजी आएगी, तो ये मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए। अब खेल देखो, यहां शुरू से ताकत से करें, निजीकरण नहीं करेंगे, निजीकरण नहीं करेंगे, और रेलवे के अंदर निजी पूंजी, निजी पैसा, उनकी निजी टेक्नोलॉजी, तब कि अभी उन्होंने भाषण के शुरुआत में बोला कि 96% पार्ट से इंजन बनाया और 4% पार्ट से और इंजन आप बनाओ, हमारे देश के अंदर ही हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बना सकते हैं, मगर एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए विदेशों से मदद चाहिए, विदेशों से पैसा चाहिए, विदेशों की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये साजिश यहां से शुरू है। और इसी आम सभा में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने वहां के जो ऑडियंस है उनसे हाँ कहलवा लिया कि हाँ आप जो है जो विदेश से जो मदद है, सहयोग है, उसको आप ले सकते हैं, और ने कह दिया हाँ यही तो हम करना चाहते हैं। तो हो गया ना खेल, ये खेल है जिसको हमको साथी ध्यान रखना है, ये कला है इनकी, ये जनता को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अब आगे का भाषण इनका सुनिए। आप मुझे बताइए, आज रेलवे स्टेशन जो है बड़े बड़े हार्ट ऑफ द सिटी है, दो दो चार चार किलोमीटर लंबे स्टेशन है, नीचे तो आपकी मालिकी मुझे मंजूर है, लेकिन रेलवे में आसमान में कोई इमारत बना देता है और रेलवे के खजाने में 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाते हैं, तो रेलवे मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में आकाश में अपनी इमारत बनाता है, रेलवे के फायदे में जाएगी कि नहीं जाएगी? मालिकी रेलवे की रहेगी कि नहीं रहेगी? रेलवे के कर्मचारियों का भला होगा कि नहीं होगा? हम जो विकास की दिशा लेकर के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की हमारी दिशा नहीं है। हमें दुनिया भर का धन लाना है, रेलवे में लगाना है, रेलवे को बढ़ाना है, रेलवे को आगे ले जाना है, और रेल के माध्यम से देश को आगे ले जाना है। ये है स्टेशनों का निजीकरण। अब स्टेशनों के निजीकरण में देखो किस तरीके से हवा हवाई सपने बेचते हैं नरेंद्र मोदी जी।
वही कह रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन है एक एक दो दो किलोमीटर लंबे हैं, और रेलवे स्टेशन का जो नीचे का जमीन है उसके मालिक हमारा है, रेलवे रहे, वो तो ठीक है, मंजूर है। पूरे रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा निजीकरण करेंगे, तब कि वो अभी पूरा पूरा रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर रहे हैं। अब इसे हवा में बोल दिया, हवा में बिल्डिंग खड़ी होगी, हवा में बिल्डिंग खड़ी होगी, हवा में बिल्डिंग खड़े होकर के 1,000 करोड़ रुपए रेलवे के पॉकेट में डाल देंगे, है? तो उससे डेवलपमेंट हो जाएगा, होगा, उससे विकास होगा, उससे हमको देश की उन्नति होगी, मगर हम निजीकरण नहीं करना चाहते। इसमें भी कह रहे निजीकरण नहीं करना चाहते। अब इससे ज्यादा झूठ और इससे ज्यादा गड़बड़ क्या हो सकती है, ये देश की जनता को समझना है। अभी इन्होंने बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसका निजीकरण कर दिया। भोपाल के पास में वे हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसको 100 साल के लिए ठेके पे दे दिया, और इतना ज्यादा वहां पे लूट मचा हुआ है कि जिसका हदो हिसाब नहीं है। तो ये साथियों जो पूरी नीति है ये इस बात को समझनी है साथी। अभी भी ये जो सब कुछ कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया निजीकरण करना है, निवेश, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, एक और नया रास्ता निकाल लिया इन्होंने, निजी पूंजीपतियों को ठेका देना, सुविधाओं का, संसाधनों को ठेके पर देना, इसको आउटसोर्स भी कह सकते हैं हम। एक स्टेशन ठेके पर दे दिया 100 साल के लिए, जबकि यह निजीकरण है, 100 साल तक के लिए उसका मालिक को निजी कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया, 100 साल तक उसका संरक्षण करेगा, उससे पैसा कमाएगा, जनता जो जाएगी उससे टिकट लेगा, वहां पे सामान बेचेगा, बहुत सारी चीजें लगाएंगे वो, और वहां से देश की जनता को लूटेंगे, और देश की जनता को जो लूटेगी उससे बड़ा मुनाफा कमाएंगे वो। तो ये जो समझ है सरकार की कि सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं हम निजीकरण नहीं कर रहे। अब उसके बाद से अभी इस सरकार ने पहले एक निजी ट्रेन चलाई तेजस करके, उस समय भी बोला कि हम एक ट्रेन चला रहे हैं। तेजस के बाद फिर महाकाल चलाई, प्रधानमंत्री ने खुद जो है दूसरी निजी ट्रेन चलाई। उसके बाद से इन्होंने फैसला कर लिया कि हम 109 रूटों पर 150 निजी ट्रेनें चलाएंगे। अब जब ये फैसला किया तो इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि ये निजीकरण नहीं है, ये रेलवे का निजीकरण नहीं है, ये तो हम रेलवे के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए निजी पूंजीपतियों को छूट दे रहे हैं कि वो निजी ट्रेनें चलाएं। तो ये साथियों इसके बाद से फिर क्या होगा, वही जो BSNL का हाल किया इन्होंने, जो BSNL को बर्बाद किया, उसी तरीके से इस पूरे रेलवे को बर्बाद कर देंगे, देश की संपत्ति को बर्बाद कर देंगे, और धीरे धीरे करके सारी ट्रेनों का निजीकरण करेंगे, जो ट्रेनें चल भी रही हैं उनको भी देशी विदेशी पूंजीपतियों को हवाले करेंगे, और एक समय के बाद पूरा रेलवे देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। ये इनका साजिश है, ये इनका टारगेट है, जिसको हमको समझना, हमारी देश की जनता को समझना। तो कैसे ये देश की जनता को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके, किस तरीके से झटके दे करके, किस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है उसकी चेतना बहुत ही कमजोर है, राजनीतिक चेतना तो वैसे ही बहुत कमजोर है, नीतियों के, आर्थिक नीतियों के बारे में हमारे देश के अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं है। इंटेलिजेंट बनते हैं, बहुत ज्ञान पेलते हैं, मगर आर्थिक नीतियों के बारे में उनके डिस्कस करो तो उनको उनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो इसका फायदा उठा करके ये देश की जो हमारी सरकार है, बीजेपी RSS की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये पूरी तरीके से हमारे देश की जो रेलवे है उसका निजीकरण करके, उसको नष्ट करके, उसको बर्बाद करके, उसको खत्म कर देना चाहते, ये इनका लक्ष्य साथी। और ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, निजी ट्रेनें आने के बाद से
अभी मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा, निजी ट्रेनें आने के बाद निजी ट्रेनों में किराया कितना लगेगा वो निजी ट्रेनें तय करेंगी, ये भी सरकार ने छूट दे दी। जो हमारा भारतीय रेलवे है उसकी जो सुविधाएं हैं, उसकी जो फैसिलिटी है उसको ये कमजोर करेंगे, और निजी जो पूंजीपति है उसकी फैसिलिटी अच्छी होगी उससे, तो आदमी को मजा आएगा कि ये सही हुआ यार, ये सही ट्रेन चल रही है, पैसे चलो दो चार दस रुपए ज्यादा लग रहे हैं शुरू में, मगर ये ट्रेन सही है। जब वो स्ट्रक्चर पूरा नष्ट हो जाएगा तो 10 रुपए का टिकट 50 रुपए में बिकेगा, फिर वो कहने लगेंगे कि आपको टिकट ट्रेन पे बैठना है तो 50 रुपए दो, और पैसे नहीं है तो पैदल जाओ। अभी जो गरीब आदमी बिना टिकट भी रेलवे में ट्रेन में चलते हैं, बहुत सारे कर्मचारी चलते हैं जो शहरों में नौकरी करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो फ्री में यात्रा करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनों में फ्री में जो है अपने कॉलेज जाते हैं, पास बनवा लेते हैं, कई बार नहीं भी पास बनवाते हैं तो वैसे ही आते जाते रहते हैं, कोई नहीं उनको पकड़ता, तो सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो जनता का से पैसे लूटना निजी पूंजीपति का मतलब है कि निजी पूंजीपति से को पैसा लूटना, और फिर वही कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं कि निजी पूंजीपति का लक्ष्य है कि वो निजी पूंजी कमाए, अपना खजाना भरे, इसके लिए काम कर रहे हो। अभी सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है, जनता को सस्ते में सुविधा देती है, और जो मुनाफा होता है वो सरकार के खजाने में जाता है। तो ये साथियों पूरी कहानी है जिसको हमको समझना है, और जो निजीकरण का ये मुहिम है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बोला है, ये इसी तरीके से देश की जनता को, देश को मूर्ख बना रहे हैं, देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, और यही कर करके इस रेलवे का निजीकरण करके, देखो झूठ देखो, निजीकरण कर रहे हैं और निजीकरण नहीं कर रहे हैं कितने ताकत से बोल रहे हैं, निजीकरण नहीं करेंगे हर भाषण में बोल रहे हैं, आज भी कहते हो निजीकरण नहीं करेंगे, इनके हिसाब से इन्हें रास्ता निकाला हुआ है कि धीरे धीरे करके सबको ठेके पर दे दो। बहुत सारा इनका जो मेंटेनेंस का ठेका आउटसोर्स, इन्होंने वैसे रेलवे का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने निजी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। अब उनका मतलब है कि रेलवे को जब पूरा बेच देंगे बोली लगा के तब हम निजीकरण कर रहे हैं, तो वैसे ही खत्म करे दे रहे हो आप निजी पूंजीपतियों को हवाले करके, वैसे उसको खत्म कर दे रहे हो। तो ये दूसरा तरीका है किसी संसाधन को, किसी सरकारी संपत्ति को नष्ट करके निजी पूंजीपतियों के हवाले करना, तो ये दूसरा तरीका है जिसको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, और हमारे देश पर देशी विदेशी रेलवे को खत्म करके देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही है। अब इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ साथियों, और अगला वीडियो जो रेलवे का निजीकरण का जो फैसला लिया उसके बारे में बनाऊंगा, आपसे अपील है कि उस वीडियो को आप जरूर सुने। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद।